71 for bowling. प्रोग्राम हम लोग मेज़बान अहमद इमरान खान हाजिर खिदमत है। ख़वातीन हज़रात, ऐसा लगता है जैसे इस कौम के मुंह पे कोई अनदेखी ताकत तकिया रख के इसके फेफड़ों में जाने वाली ज़र्रा बराबर भी ऑक्सीजन बंद करना चाहती है। हम लोग उन कौमों में शुमार किए जाते हैं जो क्रिकेट के जुनूनी हैं। दुनिया के नक्शे पे चंद ही अकवाम हैं। जब पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदानों में ये हरी शर्ट्स पहन के उतरते हैं तो उनके दौड़ने से इस पूरी कौम का लहू गर्म हो जाता है और एक एक पाकिस्तानी उसकी सनसनाहट महसूस करता है। इस कौम को असेंबल करने में मजहब और कौमियत जो काम नहीं कर सकते वो करके दिखाती है क्रिकेट, और इसका मुंह बोलता सबूत है जिस दिन पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच होता है बिलखसूस भारत के साथ, उस दिन ना तो कोई यहाँ पर फिरका वारियत की बात करता है, ना यहाँ पर मजहबी तासुब की बात करता है। हर कोई पाकिस्तानी होता है। इंडिया पाकिस्तान के एक एक गेंद पे, एक एक शॉट पे हर पाकिस्तानी झूमता है, उछलता है, अफसरदा होता है। क्या ये हमारे क्रिकेट के 11 खिलाड़ी नहीं जानते, या ये हमारा पीसीबी नहीं जानता? सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मुल्क की ग्राउंड्स ने तारीख साज क्रिकेटर प्रोड्यूस करने बंद कर दिए हैं? क्या इस मुल्क की जमीन बांझ हो चुकी है, या इस मुल्क के क्रिकेट बोर्ड को चलाने वाले अहलियान मुतबरीन हजरात अंधे, गुंगे और बहरे हैं जिनको नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान इस बेतौकीरी के साथ क्रिकेट के मैदान में क्यों ब्लीड कर रहा है? मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के नाम सुन सुन के हम पाकिस्तानियों के कान पक गए हैं। मुनज्जम मंसूबे के तहत पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ इंटरनेशनल साजिशें की जा रही हैं, और इन साजिशों का आगाज़ हुआ 2009 में जब पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क ने अपनी क्रिकेट टीम, श्रीलंका ने जब अपनी क्रिकेट टीम यहाँ पर भेजी तो रॉ ने ओछे हथकंडे इख्तियार करते हुए उस क्रिकेट टीम के ऊपर जानलेवा लीथल हमला करवाया, जस्ट टू एस्टैब्लिश दिस इंटरनेशनली कि पाकिस्तान की ज़मीन पर जो जाके क्रिकेट खेलेगा उसका यही हाल होगा। हमने क्या किया, जबकि हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने सबूत दे दिए कि रॉ उसके अंदर बराह रास्त मुलव्वस थी। वो हकीकतें जो कि आप तक पहुँचती रही हैं किसी ना किसी मरहले, किसी ना किसी सूरत, लेकिन हम लोग आज के इस प्रोग्राम में आपको उन हकीकतों के पीछे की हकीकतें दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान का तो लगता नहीं कि इनकी कोई प्रैक्टिस होती है, हर टाइम जब आते हैं तो ये इनकी फिटनेस ही कोई नहीं होती, स्ट्रॉन्ग फिटनेस नहीं होती, इस वजह से ये इनकी हारने की मेन रीज़न ही ये है। टैलेंट मौजूद है, बॉलर मौजूद है, दुनिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर हमारे पास मौजूद हैं, फिर भी हमारा इस मैच में आगे प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? मुझे नहीं समझ आती, हमारी जो टीम है वो इंडिया से कहीं एक गुना स्ट्रॉन्ग है, फिर भी ये इससे साफ पता चलता है कि हमारे जो कुछ पॉलिटिकल टाइप के मसले हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान टीम बहुत जल्दी अंडर प्रेशर आ जाती है, और एवरेज इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इस पे प्रेशर फील किया जाए। अगर वो कॉन्फिडेंटली आराम से, मतलब एक ओवर में 5 की एवरेज के साथ भी खेलते तो वो विन कर सकते थे। पाकिस्तान के हारने के भी कोऑर्डिनेशन नहीं थी टीम में, अभी नए लड़के थे तो काफ़ी कोऑर्डिनेशन नहीं थी टीम में, ऊपर से हमारी ओपनिंग थोड़ी सी लूज थी। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट मैच इंशाल्लाह बहुत बेस्ट हो जाएगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम शाहीन आहिस्ता आहिस्ता उठते हैं तो हमें भी परवान चढ़ने की ट्राई ले रहे हैं। जो पुराने प्लेयर हैं उन्हें चांस ज़्यादा दिया जाता है, और जो 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 नए हैं उन्हें चांस दिया जाता है। जिस तरह के मिसबॉल आके हैं वो भी पुराना है, वो भी उसने अच्छी खेला, पर यूनस खान ओपन आया पर उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिया है। इस तरह उस जगह नासिर जिम को डालते, उमर अकरम की जगह पे डालते उसको, जो सरफराज है उसे डालते क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। उसके अलावा बॉलिंग में भी जो भाबरे आज था उसने अच्छी बॉलिंग नहीं किया है, और इरफान भी ठीक है, जुनेद खान जो है उसे भी डाला उन्होंने, पता नहीं अनफिटा क्या है ये अल्लाह जानता है। ये हमारे पीछे जो पॉलिटिशियन है या इनका हाथ है, या फिर हमारे जो मैनेजमेंट टीम है इनका हाथ है। कुछ हमारी सिलेक्शन में जो उनसे प्रॉब्लम थी, जैसे सरफराज को हटा के उमर अकमल को खिलाया गया, और इसके अलावा जो है कैप्टन जोन्स है, टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गई थी, और प्रेशर में आके उसे उमर अकमल का आउट बहुत ज़्यादा गलत दे दिया था, जिसकी वजह से फील किया जाता है पाकिस्तान को जैसे अंडर एस्टिमेट करने की, प्रेशर राइज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि पाकिस्तान की टीम प्रेशराइज होकर जोन्स है ना वो आउट ना खेल सके। पाकिस्तान का तो हमेशा ही से ही आ रहा था कि सियासत के लिहाज से जो है वो इनको जो है हरा के देते हैं,
और पाकिस्तान की टीम वैसे अच्छी है ओवरऑल अगर देखा जाए तो, लेकिन हमेशा ही ये लोग फिक्स करके वर्ल्ड कप का मैच वो उनको जितवा देते हैं इंडिया को। 70 में जोरदार पर निकले बॉलिंग हादी अकबर। बुक मेकर जो डिसाइड और डिफाइन करते हैं कौन सी टीम फेवरेट है, किस पे ज्यादा सिट्टा लगाया जा सकता है और किसको जिता के या किसको हरा के ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इस प्रोग्राम में क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम एग्जैक्ट उन लोगों को, उन किरदारों को ढूंढें जो इस सारी की सारी कार्रवाई का हिस्सा होते हैं, इसीलिए हम काफ़ी दिनों से बुकी को, किसी बुकी को ट्रेस कर रहे थे। एक बुकी ने हमें इस ग्राउंड में बुलाया, डेढ़ घंटे से उस बुकी का मोबाइल ऑफ है और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें अगली हिदायत कब देता है। सुबह 10 बजे से हम उस बुकी को इंटरव्यू करने के लिए रोड्स के ऊपर हैं और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये इंतज़ार का लम्हा कब तक। और नाज़रीन फॉर्चुनेटली उस बुकी की कॉल भी आ गई। हेलो, आप कहाँ पे हैं भाई? हम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे डेढ़ घंटे से खड़े हुए हैं लेकिन आपका मोबाइल ऑफ जा रहा है। बस अब मिल जाइएगा, ये तीसरी जगह है जो आप चेंज करवा रहे हैं भाई। चलें, हम मार्केट में किस जगह पे आए? हेलो, चलो वो मार्केट जाना है। आजा नाज़रीन, ये बुकिंग जिसने हमें अब 3 घंटे के बाद इस स्पॉट पे खड़े हुए, हमें 1.5 घंटा हो गया, अब एक नए स्पॉट पे बुलाया मार्केट में। यहाँ करीब ही मज़फ़ात में एक मार्केट है, उस मार्केट में जाके उसको इंटरव्यू करते हैं। नाज़रीन, सारे दिन की मेहनत के बाद और इंतज़ार करने के बाद वो शख्सियत जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने सिक्योरिटी खदशात को एक साइड पर रख के हमसे मुलाकात की और बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम भी हम लोग है, तो जो आम पाकिस्तानियों के जहनों में सवाल पैदा होते हैं वही आपसे करूँगा जी। ये बुक क्या होती है और बुक मेकिंग किस तरह से की जाती है? बस मैच जब स्टार्ट होते हैं तो आपके लाइनों पे ये बेट्स होते हैं, जो खेलने वाले हैं वो करते हैं और जिनके पास वो कर रहे हैं वो बुक मेकर्स हैं। दे आर नोन एज बुक मेकर्स। हाँ, दे आर नोन एज बुक मेकर्स। की कितनी कैटेगरीज कितनी हैं, स्टेजेस कितनी हैं और जो टॉप के बुक मेकर्स हैं जो साउथ अफ्रीका से रेट निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं? रेट जी, ये साउथ अफ्रीका से तो नहीं निकलते, रेट तो हमेशा से इंग्लैंड से ही निकले हैं। इंग्लैंड से? हाँ, रेट हमेशा इंग्लैंड से निकलते हैं। फिर ये क्योंकि साउथ अफ्रीका अब एक ऐसा नाम बन चुका है कि वो जिसको आप कहें कि वो एक गढ़ बन गया है बैटिंग का कि जितना पैसा है वो पूरी दुनिया का घूम कर वो सारा साउथ अफ्रीका में ही जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो सारे के सारे पैसे की वहाँ पे सर्कुलेशन है, इससे उनकी इकोनॉमी को भी कोई फायदा होता? डेफिनेटली, वहाँ पे तो टैक्स पे ही है ना। वहाँ पे टैक्स पे किया जाता है। जब बुक मेकर्स रेट निकालते हैं तो वो कौन सी सतह के बुक मेकर्स होते हैं और किस तरह से रेट निकालते हैं? जो आपके दुनिया के टॉप बुक मेकर्स हैं, जैसे एक दौर में लाल दीन वगैरह ये लोग थे, तो ये लोग ही रेट निकालते हैं। लाल दीन आजकल कौन है? आजकल भी हैं जी, इसी तरह के इंडिया से हैं। इंडिया से हैं? हाँ, जो आके दुबई में बैठे हुए दुबई में बैठे हुए। कोई एक दो नाम ही बता दीजिए हमें, आगे चले। नहीं, ये नाम जो है अगर आप बाद में कहेंगे तो हज़फ कर लिए जाएंगे, लेकिन जस्ट फॉर पीपल इंटरेस्ट। नहीं, छोड़ें, बड़े नाम है, बिग शॉट्स। जनाब, ये बताइएगा, पाकिस्तान की सतह पे आप भी रेट्स निकालते हैं? रेट्स जो है जी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही चलता है,
उसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेते हैं, रेट्स वहीं से निकले हैं। जब रेट्स निकलते हैं तो रेट्स के अंदर आप जो है वही आप आगे चलाते हैं, रेट्स में आप एक दो पैसे का ऊपर नीचे तो कर लेते हैं ना अपने लिए। इंडिया पाकिस्तान का जो ये वर्ल्ड कप का लास्ट मैच हुआ 15 फरवरी को जी, इस मैच में इंडिया पाकिस्तान का क्या रेट था? इंडिया जी 58-60, 59-61 ये भाव थे। 58-60, 59-61, इसकी कुछ थोड़ी सी तफसील भी बता दीजिएगा। ये रेट हम दो देते हैं, एक होता है कि जो खेलने वाला वो लगाता है, एक वो है जो उसके अगेंस्ट जाता है, जिसको हमारी ज़ुबान में खाया कहते हैं कि जी के मतलब आपने मैंने आपको 58-60 दिया है तो वो भाव में आपको अगर लगाना है, आपको पसंद है इंडिया तो आप 58 में लगाओगे, और अगर आपको पाकिस्तान पसंद है तो आप 60 में खाओगे। हाँ, मतलब जो नॉन फेवरेट टीम होती है उसको खाया जाता है। हाँ, और जो फेवरेट होती है उसके ऊपर बैठ होता है। एक तो रेट हो गया हार और जीत के ऊपर, इसके अलावा सट्टे की, जुए की और कौन कौन सी अकसाम है? जैसे कुछ लोग फैंसी खेलते हैं, ये क्या है? फैंसी है कि 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं वो आप अपनी मर्जी का कोई नंबर बोल लेते हैं कि जी सपोज़ 5 ओवर के बाद या 10 ओवर के बाद आपने कहा जी जो फिगर लास्ट वाला फिगर आएगा वो 9 होगा, दैट इज़ कॉल्ड फैंसी। सही, इसके ऊपर क्या मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होता है? इस पे बेट तो लोग छोटा ही करते हैं, जो मोस्टली है वो उस लेवल का बेट नहीं होता जो कि मैच का होता है, लेकिन ये उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है जीतने का बहुत ज़्यादा होता है। उसका रेट किस तरह से मुतय्यन किया जाता? उसका रेट होता तो स्टैंडर्ड जो रेट है वो तो 8.25 जो हम लोग देते हैं, लेकिन मार्केट में लोग पता नहीं उसको किस तरह करते हैं, कुछ कोई 8 दे देता है, कोई 8.5 दे देता है। ठीक है, इसके अलावा फैंसी के अलावा कली जोटा भी जी कली सुनने में आता है। ये क्या चीज़ है कि ओवर के एंड में आपने अगर कुछ लगाया हुआ है 3 ओवर के बाद कली आएगी या 5 ओवर के बाद कली आएगी? कली क्या होती? कली होता है जो डिवाइड नहीं होता, लाइक ऑड फिगर। हाँ जी, और जोटा जोटा 2, 2, 4, 6, 8, 10 उसमें आए तो जोटा होता है। आप लाहौर की सतह पे एक बहुत बड़ी बुक चलाते हैं, क्या लाहौर में रेट्स निकालने में वो आपका मार्जिन भी होता है, या आपका जो दिल करता है वो रेट निकालते हैं, या जो आपको इंग्लैंड से रेट आता है वो आप रेट स्टैंडर्ड है? वो अब आजकल का दौर में वो अब बात नहीं रही है, अब तो आप कंप्यूटर के ऊपर लैपटॉप के ऊपर सारे रेट्स हर बंदे को मालूम है। जो आदमी 10-20 हज़ार का भी बेट कर रहा है तो लैपटॉप तो उसने भी रखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप उसमें वो कर नहीं सकते, इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं, पहले मार्जिन नहीं है। अच्छा, बुक जब चल रही होती है तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा फ़ोन पड़े हुए होते हैं, बार बार फ़ोन आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, रेट्स दिया जा रहा होता है, इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, बेट लग रही होती है, किस तरह से ये ऑपरेट किस तरह से करते हैं आप, जबकि इस मुल्क में ये ममनुआ है, फिर पैसा लेना, पैसा देना, उगराई वसूली, ये किस तरह से किया जाता है? उसके लिए कोई इतना मसला नहीं होता, आप जब लाइनों पे आप बैठ कर रहे होते हैं तो वो रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं, तो उसमें ये नहीं है कि कोई डिनाई कर जाएगा जी कि मैंने तो आपका मैं तो कल प्लस था और या मैं माइनस था, वो इस तरह का सीन नहीं है। और ये एक वाहिद चीज़ है जिसमें आप बिजनेस में तो लोगों को आपने अक्सर सुना होगा कि जी किसी ने कोई प्लॉट लिया और किसी ने कुछ किया तो उसके पैसे स्ट्रक हो गए, इसमें चांसेस बड़े कम हैं। A little scratch there, but not enough that would. Yeah, convince the third umpire. Oh, given out. Finger is raised. हो गई जी, 4 बैटरी आपकी हो गई। It's a real disappointment for World Cup. Oh, that's it, Digger. That's gonna be out. अच्छा, इंडिया वर्ल्ड कप के दरमियान और वर्ल्ड कप के अलहदा मैचों में कोई रेट का फ़र्क होता है या सनसनीखेजी का फ़र्क होता है? ये बॉल टू बॉल वेरी करता है, रेट कभी भी एक जगह पे स्टेक होके नहीं होता। हाँ, इंग्लैंड में ये होता है कि आप बैटिंग करते हैं तो वो बैटिंग एक पूरे हाफ के लिए करते हैं, आप ड्यूरिंग मैच बैट नहीं कर सकते हो। दूसरा बैट करने के लिए जब एक हाफ ख़त्म होगा, जो बीच में लंच आएगा, फिर आप बुक शॉप्स पर जाते हो और वहाँ पे जाके आप अपनी मर्जी का दोबारा बेट करते हो। अच्छा, जब स्पॉट फिक्स किया जाता है तो फिर उसमें तो पेनिट्रेशन बहुत डीप डाउन जाके टीम्स के खिलाड़ियों में होनी ज़रूरी है,
तो स्पॉट फिक्स करने में बुक मेकर किस तरह से उसको पॉसिबल करते हैं? स्पॉट फिक्सिंग बुक मेकर कर नहीं सकता जब तक के प्लेयर्स और ये लोग गारंटी ना दें, नहीं ये लोग अंदर के ना मिले हों। ठीक है, आप किस तरह किसी मैच के को फिक्स कर सकते हो अगर आपकी किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आपको कोई जानता ही नहीं है, तो आप किस तरह उसके साथ करेंगे? ये इन्वॉल्वमेंट होती है तो होता है। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच वर्ल्ड कप के अंदर होता है वो बुक मेकर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? वो पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो एशेस भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट होता है। बुकिंग जो है, मैच फिक्सिंग, बैटिंग, ये पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के लिए मुजर है, नुकसानदेह है या फायदामंद है? ये फायदामंद तो मैं कभी भी नहीं कह सकता इसको। देखिए बात ये है, जो खेलने वाले हैं जो उनको तो इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, वो अपना क्रिकेट मैच खेलें, बाहर आवाम क्या कर रही है इससे उनका ताल्लुक नहीं होना। कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं फिर बताइए ना आप हमें कि क्रिकेटर्स कैसे इन्वॉल्व, आप मेरे ख्याल खुद में क्रिकेट खेलते रहे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी आपने खेली। मेरे ख्याल में ये इसकी वजह यही है, ईमान की कमजोरी, ओवरनाइट बन जाए वैनिटी फेयर। और दूसरा, बहुत कई प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो बहुत छोटे घरानों से आते हैं, लो प्रोफाइल होते हैं, तो वो जब इस लेवल पे जब आप स्टार होते हैं वो कहते हैं कि हम पता नहीं हम कितनी देर हैं, हम पता नहीं साल खेलेंगे, दो खेलेंगे, तीन खेलेंगे, तो जो समेट सके समेट लें। ऐसी किसी स्टेट ऑफ माइंड में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स फिर पाकिस्तान को हराने के लिए भी पैसे ले लेते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो हुआ है, आप पास्ट में आपने खुद भी देखा है, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। ठीक, अगर आप समझते हैं कि ये बैटिंग जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज कर रही है, तो फिर आप क्यों बुक चलाते हैं? देखें हम तो इसको बिजनेस ले रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज भी यही है, फ्लक्चुएशंस, छोटे भाव में ले लिया, बड़े में बेच दिया, ट्रेडिंग, बड़े में बेच दिया, छोटे में खरीद लिया, तो स्टॉक एक्सचेंज यूँ ही बंद कर देते। पाकिस्तान में बैटिंग को फरोग किन किस टीम के दौर में दिया गया? ये पाकिस्तान में तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जब इमरान खान चले गए तो उसके बाद ये ज़्यादा हुआ। जब वसीम अकरम कैप्टन बने, बस ये लोग जब आए, जब इमरान साहब चले गए तो ये बाद में सब कुछ बढ़ चढ़ कर इन लोगों ने हिस्सा लिया है। अच्छा, हमारे बहुत बड़े बड़े कौमी हीरोज़ का नाम भी लिया जाता है बैटिंग में, वो बैटिंग में यकीनन बुक तो नहीं चलाते होंगे, तो वो किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं बैटिंग में? आप कौमी हीरो में किसको शामिल करना चाह रहे हैं, वो नाम भी तो कुछ बताइए। मैं तो नाम लेने के लिए तैयार हूँ लेकिन आप उस नाम को नहीं ओन करेंगे। वसीम अकरम के बारे में कहा जाता है, सलीम मलिक, एजाज अहमद, ये सारे खिलाड़ी, सईद अनवर, अपने अपने वक्त में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन वो इन्वॉल्व, आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन इन्वॉल्व रहे हैं तो आपके जो जज साहबान ने फैसला उनके हक में दिया, जस्टिस कयूम ने, आप देखेंगे उनके हक में फैसला दिया गया है, तो वो फैसले के बाद फिर मजीद क्रिकेट में खेले। पाकिस्तानी टीम के वर्ल्ड कप में क्या चांसेस हैं और बुक मेकर्स की बुक्स में पाकिस्तानी टीम कहाँ पे स्टैंड करती है? देखिए टू बी ऑनेस्ट, चांसेस तो बहुत कम हैं पाकिस्तान के, लेकिन क्रिकेट है, अगर उस एंगल से देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है, और अगर आपकी टीम की हालत देखी जाए तो चांसेस कम है। कोई काबिल हो तो हम शान किए देते हैं, ढूंढने वालों को तो हम दुनिया भी नहीं देते हैं, अलामा इकबाल ने कहा, लेकिन शायद हमारी क्रिकेट टीम को किसी ने नहीं बताया। और ये क्रिकेट टीम जैसे नूरा कुश्ती के बारे में एक परसेप्शन बिल्ट हो गया है कि नूरा कुश्ती के अंदर जुआ लगा होता है और जिस जुआरी के हारने से प्रॉफिट ज़्यादा बनाया जा सकता है, इसी तरह से इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैच के बारे में भी उस मैच का एक अमूमी तासुर अवाम में यही अब पाया जाता है, खासतौर पर 15 फरवरी का मैच हारने के बाद कि नूरा क्रिकेट हो रही है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान वर्ल्ड कप में। फॉर्चुनेटली हमारे साथ स्टूडियोज में पाकिस्तान के एक ऐसे एहसास क्रिकेटिंग हिस्ट्री का किरदार मौजूद है कि जिसने ख़ास तौर पे इंडिया के साथ मैचेस में वो परफॉर्मेंस दी, वो विनिंग परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान फतह से हमकिनार हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली आमिर सुहेल साहब की। आमिर भाई, सबसे पहले तो ये बताइए 15 फरवरी को इंडिया से हम क्यों हार गए, एज अ क्रिटिक आपका क्या तजिया?
मेरा जो अपना जाती ख्याल है जी कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम थी उनके ऊपर प्रेशर बहुत था. पहली दफ़ा वो एज ए फेवरेट ये वाला मैच खेल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ इन अ वर्ल्ड कप, तो वो बहुत भरपूर तरीन वो अपनी प्लानिंग करके आए. प्लानिंग के साथ साथ जो उन्होंने आके अपना प्लान एग्जीक्यूट किया, जो जिस तरीके से उनके सीनियर प्लेयर्स ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली और मेक श्योर किया कि अगले के ऊपर नहीं छोड़ना, खुद काम जो है वो कंप्लीट करके जाना है, तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया टीम जो है वो बेहतर खेली और उसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास कोई प्लान भी नहीं था. और एक जो चीज़ नज़र आ रही थी कि वो चीज़ों का होने का इंतज़ार कर रहे थे रादर देन क्रिएटिंग चांसेस. आप देखें कि विराट कोहली एक अटैकिंग प्लेयर है, बड़े आराम से खेले. शेखर धवन भी उन्होंने कोई चांसेस नहीं लिए, उनको एक जॉब दी गई थी कि आपने मेक श्योर करना पार्टनरशिप करके हमें एक प्लेटफॉर्म देना, प्लेटफॉर्म के बाद आगे चलेंगे. आपके सामने ही है कि 300 स्कोर करने के बाद दे नेवर लुक बैक. एक क्रिकेट टीम जिसके लिए आप भी खेले एक तवील अरसा, वो प्लान नहीं कर सकी, उसके पास प्लान नहीं था, दिमाग की कोई कमी थी, या क्रिकेट बोर्ड को अब किट के अंदर दिमागी की एक डब्बी भी रखनी चाहिए? व्हाट वाज द रीजन? देखिए ये फैसले जो है आपको सोच समझ के करने होते हैं. जिस प्लेयर को आप सेलेक्ट भी कर रहे हैं आपने मेक श्योर करना है कि इसकी टेक्निक जो है वो हर ऑपोजिशन के लिए अच्छी होगी और ये मार नहीं खाएगा. आप वेल राउंडेड प्लेयर सेलेक्ट करते हैं और ऐसा प्लेयर जो प्रेशर लेने की अहलियत रखता हो. जब आप देखेंगे जब भी आपका बड़ा मैच आता है तो एकदम से हाथ फूल जाते हैं हमारे प्लेयर्स का, और जो अपनी नेचुरल गेम है वो जब प्रेशर वाला मैच आता है तो आप अपनी नेचुरल गेम वो ग्राउंड के ऊपर नहीं लेके जाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये 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 चीज़ें देखनी पड़ती हैं. ठीक. और ये जो खबरें गर्दिश करती हैं कि नेचुरल गेम एक तरफ लेकिन पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो सट्टे का वॉल्यूम है वो पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला एशेज सीरीज से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है बुकीज़ के लिए, पाकिस्तान की हार जीत में ये बुक्स का कितना लेना देना है? ये सारा जो है इन्वॉल्वमेंट तब होता है कि आपने जब फेवरेट को नीचे करना हो. अब जब कोई फेवरेट होगा तो ऑब्वियसली उसके पास उस टीम में प्लेयर भी बड़े ज़बरदस्त होंगे जो सिंगल मैन हैंडली मैच जीतने की अहलियत रखते हैं, तो तब आप जाके ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि यार इनको इन्फ्लुएंस कर लें और मैच का रिजल्ट चेंज कर लें. लेकिन जब आपके पास प्लेयर ही नहीं होंगे और आप फेवरेट भी नहीं हैं तो फिर तो ऐसा एलिमेंट आने की मेरा ख्याल है नौबत भी नहीं आती. लेकिन जिसका जिक्र आपने भी किया कि हमें प्लानिंग नहीं दिखाई दी फील्ड के ऊपर, वो प्लानिंग क्यों नहीं थी? उसके अंदर कप्तान का ज़्यादा कसूर था, मैनेजर का ज़्यादा कसूर था, कोच का ज़्यादा कसूर था, वकार यूनुस हैं, मिसबा हैं, या पीसीबी के इंटरनल कोच जिन्होंने उनको मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब किया फील्ड में उतरने से पहले? देखिए ये तो सारा सबका कलेक्टिव है. जब भी जो इंटरनेशनल नॉर्म है वो जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप प्लेयरों की टेक्निक देखते हैं, ये देखते हैं कि कौन सा प्लेयर जो है अगर बैट्समैन है उसकी बैकलिफ्ट क्या है, उसकी शफल क्या है, उसके मुताबिक आप प्लान बनाते हो कि यहाँ इसकी वीकनेस ढूंढनी है. अनफॉर्चुनेटली वो वाली चीज़ देखने को नहीं मिल रही. हमारी आज भी क्रिकेट वो है कि शाबाश कर लेंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल टीम्स करती हैं साइंस को मिक्स करती हैं वो आज भी हम करने में नाकाम हैं. उसके बाद जो आपका सिलेक्शन सिस्टम है वो इतना फॉल्टी है जिसकी वजह से जो अच्छे प्लेयर हैं वो थोड़े अरसे बाद क्रिकेट छोड़ जाते हैं, जो ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया हुआ. और उसके अलावा आजकल क्रिकेट खेलों से ज़्यादा बच्चों को ये रिहर्सल करानी पड़ी कि अगर दहशतगर्द हमला कर दे तो भागना कैसे, ये भी एक अलमिया है. जिस बैकग्राउंड से यूजली हमारे क्रिकेटर्स आते हैं क्योंकि वहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है और अमूमी तौर पे डिप्राइव जो फैमिलीज हैं उनके लड़के आके क्रिकेट खेलते हैं, तो वो बैकग्राउंड, वो कल्चर, वो स्टेट ऑफ माइंड, क्या उसको पीसीबी ग्रूम करता है कि किस तरह से अब इनको ज़रा और सोफिस्टिकेटेड और सिविलाइज किया जाए? ये करने की कोशिश की गई थी जब आपका नेशनल अकेडमी लॉन्च करने का आइडिया था, उसमें यह भी था कि आपने प्लेयरों को वेल राउंडेड करना है, उनको टेबल मैनर्स भी सिखाने हैं, उनको लोगों के साथ हाउ टू मिक्स अप वो भी सिखाना है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सिखानी है ताकि ये जाके अपने मुल्क को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके. लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वो डिसरप्ट हो गया और ये वाली चीज़ जो थी वो आगे नहीं जा सकी. और आपने ये सही बात की है कि वो डिप्राइव्ड एरिया से काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है कि अभी भी इस मुल्क में लोगों को सिविक सेंस नहीं है. चाहे आप मेट्रोज की बात कर लें, चाहे आप बड़े शहरों की बात कर लें, जब तक आप
सिविक सेंस नहीं सीखेंगे, बाकी चीजें जो है वो आप नहीं सीख अचीव नहीं कर सकते, नहीं अचीव कर सकते। और बेसिकली देखें जो आप कह रहे हैं डिप्राइव्ड एरिया, अब वहां से भी आने क्रिकेटर बंद हो जाएंगे क्योंकि स्पोर्ट्स क्रिकेट का जो इक्विपमेंट है वो इतना महंगा हो गया है। मैं समझता हूँ कि आज भी आपकी जो क्रिकेट है उसको टेनिस बॉल बैट जो है और टेनिस बॉल बचाए बैठे अदरवाइज ये भी इसको भी महंगा कर दें और इसको भी खत्म कर दें तो आपकी क्रिकेट तो कहीं भी नहीं है। सर पाकिस्तान की क्रिकेट को पाकिस्तान में बचाने के लिए गवर्नमेंट को अगर कोई इनिशिएटिव प्लान करना चाहिए, क्या पहले तो ये बताइए कि आप समझते हैं कि इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर इनिशिएटिव प्लान करने चाहिए और उसको कंट्रोल करना चाहिए? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि आपकी जितनी खेलें नीचे चली गई हैं आपको कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो भी हुकूमतें आती हैं उनको, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट तो एक मेन रिफ्लेक्शन है ना आपकी कंट्री की, आपको हर इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशन बनाना है। आप ये जो लोगों को अकोमोडेट कर देते हैं कि जी फ्लां मेरा जानने वाला है उसको चलो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दें, फ्लां को हॉकी में एडजस्ट कर दें, ये मेरी पार्टी का बंदा है, फ्लां इंस्टीट्यूशन को ये हेड कर लेगा, उसी की वजह से सारी खराबी हुई है इस मुल्क में। जब तक आप जो जो सही मानों में एक्सपर्ट्स नहीं है उनको आगे नहीं लेके आएंगे तो ये आपको दिन देखने जो है फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे। हमारे प्रोफेशन के एक सहाफ़ी जो कि पीसीबी के चेयरमैन रहे, काफ़ी अर्सा रहे, कंट्रोवर्शियल रहे, गए फिर आए फिर गए फिर आए, अब वो चेयरमैन तो नहीं है लेकिन डिफेक्टो चेयरमैन उन्हें कहा जा सकता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का भी हिस्सा और एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी हिस्सा है, उनकी कारकर्दगी कैसी रही? देखिए आपके सामने ही है अगर उनको कुछ पता होता और वो अपने अपनी सीट के लिए ये यहाँ या क्रिकेट बोर्ड में रहने के लिए वो जिद ना करते तो आज आपको ये जिम देखना ना पड़ता। उन्होंने खुद की जाहिर है, चीफ सेलेक्टर भी आप रहे पीसीबी के, पाकिस्तान इंडिया के मैच में क्या बहुत ज्यादा सट्टा इन्वॉल्व हो गया था दुबई मुंबई और इसमें मैं ये कहूँगा कि देखें आपके मुल्क में मैं बड़ा अपने आप को ना रिफ्रेन करके ये बात करूँ, जो अदाद व शुमार हैं ऑलमोस्ट 50% लोग जो हैं वो शर्त लगाते हैं क्योंकि कईयों के कारोबार नहीं चल रहे, वो अपना गुजारा इस चीज़ के ऊपर करते हैं। अगर आप रोड के ऊपर लोगों को मिलें, कुछ जानने वालों को मिलें तो यही चल रहा है। और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो अगर 2 अरब के करीब लोग जो हैं इस मैच में इन्वॉल्व होंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं, क्या होगा तो ये तो रियलिटी है। आप देखें ना आईसीसी ने एंटी करप्शन यूनिट क्यों खोला? आमिर भाई वेरी क्विकली ये बताइएगा, हमने एक इस अपने इसी प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बुकी को भी इंटरव्यू किया, मुझे उन्होंने कहा कि वो मौसूफ कहते हैं कि ये एक इंडस्ट्री है वेस्ट में और पाकिस्तान में भी अगर इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए तो बहुत बड़े वॉल्यूम में पैसा जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्कुलेट होगा। ठीक है, जुआ तो इस्लाम में हराम है, यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि ये हो पाएगा और होना भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें तो सबसे बड़ी चीज़ सोचने वाली है, जब सट्टा लगता है वो जाता किधर है? आपके मुल्क का पैसा बाहर जाता है, आगे आपके पास है कुछ नहीं, ठीक है वो भी आप निकाल, आपकी इकोनॉमी इसलिए हर्ट होती है, आपको काफ़ी चीज़ों को जो है वो टाइट करना पड़ेगा, किए रखना पड़ता है। आखिर में बता दीजिए ये जो सियासी इन्फ्लुएंस का जिक्र आता है कि दिल्ली से फोन आया इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फोन गया दिल्ली, ये इन्फ्लुएंस क्रिकेट पे असरअंदाज होता है हार जीत तक? मेरा नहीं ख्याल कि इसको ये होता है और इसको होना भी चाहिए, आई डोंट थिंक सो। अनुभव, इस 2015 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को आप किस स्टेज तक पहुंचता हुआ देखते हैं? देखिए मैं होप कर रहा हूँ क्वार्टर फाइनल तक तो पहले पहुंचे। नाज़रीन कहते हैं जुआ किसी का ना हुआ, और ऐसी ही एक कहानी जिसके अंदर एक किरदार जो गली मोहल्लों के अंदर मैचेस के ऊपर कुछ छोटे मोटी बुक चलाया करता था, लोगों का पैसा जुए में इन्वेस्ट करता था, अपना किया करता था, उसका अंजाम क्या हुआ ये भी हमें मौका मिला अपने प्रोग्राम में उसकी ज़िंदगी का एंगल आपके सामने रखें, ताकि वो लोग जो कि गली मोहल्लों के अंदर इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और इस एक्टिविटी का मज़ा आहिस्ता आहिस्ता उन्हें किस एंड इख्तिताम की तरफ लेके जाता है, वो अंजाम कितना दर्दनाक है ये भी आप अंदाज़ा लगा सकें। तुम्हारा नाम क्या है? हफीज। हफीज, तुम जुए की एक्टिविटी में कब से हो? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल पहले किस तरह से आए, किस तरह से जुए के अंदर? इसी तरह यारों दोस्त में बैठना और वो
मैच लगाते थे, इस तरह आदत पड़ गई, तो फिर थोड़ा थोड़ा उनके साथ छोटे लेवल पे काम करते थे, फिर ऐसे ऐसे ज़्यादा। पहली दफ़ा तुमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? 500 रुपया। और क्या उसका क्या नतीजा क्या निकला? मैं जीता था। कितने पैसे जीते? 500 के साथ ये 700-800 रुपये जीता था मैच पे लगा के। 500 रुपये इन्वेस्ट करके फौरी तौर पे तुम्हें एक मैच के बाद 700 रुपया प्रॉफिट हुआ? जी। ठीक, वहाँ पे तुम्हारा ईमान बना, यकीन हुआ कि ये तो बड़ा मज़े का काम है, ऐसे करना चाहिए? बगैर मेहनत के आपको पैसे मिल जाते। बगैर मेहनत के। फिर किस तरह से और मतलब अगले मैच में आए, वहाँ पे बैठना शुरू हो गए, लोगों को किस तरह से तुमने इन्वॉल्व किया अपने जुए में? लोग इस तरह की एक दूसरे से बातचीत होती रही, एक दोस्तों ने पैसे इकट्ठे किए, एक छोटी सी बुक बना ली अपनी, तो फिर इस तरह मिलकर काम करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता पैसा किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है लोगों का? कैश लेके इन्वेस्ट करते हैं या सिर्फ विहार के ऊपर बातचीत चलती है? कैश लेके वर्ल्ड कप पूरा डेली 2 मैच होते हैं। तुम्हारी जो बुक का वॉल्यूम ऑफ मनी था, सर्कुलेशन जो, कितने पैसे की हो जाती थी? 10-12 लाख पर मैच। पर मैच यानी कि 10-12 लाख रुपया जो कुछ लोग हारते भी थे और जीते भी थे। टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी, 10-12 लाख। तुम्हारा एरिया, तुम्हारा एक लाहौर का एक एरिया, कितना है उसके अंदर आबादी का एरिया होगा? ये बहुत ही घनी है, ये एक अपने मोहल्ले में से कुछ लड़के हो, कोई कहीं से हो गया, इस तरह जाने वाले नेटवर्क एक बना, नेटवर्क एक बना। नेटवर्क के कितने लोगों का था तुम्हारा? और कुछ 40-50 लोग हैं जो हमारे अंडर में काम करते हैं पॉइंटर्स, फिर वो आगे से लोगों के नंबर देते हैं कि ये बंदा आपको कॉल करेगा, तो इस तरह सबकी वो फिर कमीशन मिलती रहती है, तो काम चलता रहता है। तुम बुक चलाने के बाद तुम्हारा यकीनन जो पैसा है, लोग हार रहे हैं या जीत रहे हैं, उससे तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम कितना एक प्रॉफिट, एक मार्जिन तुम्हारा कितना निकल आता है? एक मैच में 1.5-2 लाख रुपये बन जाता। एक मैच में? इंडिया पाकिस्तान के आखिरी मैच में तुम टोटल कितने पैसे हारे? 70 लाख। कैसे पूरे किए? कैसे पूरे किए? कुछ बीवी का जेवर बेचा, कुछ दोस्तों से पकड़े, और अभी मेरे ऊपर कर्ज है जो मैं नहीं उतार पाया। तुम इस बिजनेस को, इस काम को आगे फ्यूचर में करना चाहोगे? नहीं। नाज़रीन, सियानों ने सही कहा, बुरे काम का बुरा अंजाम। कभी हमें ये समझ आ जाता है, लेकिन कभी किसी कमज़ोर लम्हे हम ये भूल जाते हैं और फिर से बहक जाते हैं। शायद नफ्स की इसी जंग की वजह से इंसानों को फरिश्तों से सजदा करवाया गया। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे बुनियादी मुआशी निज़ाम और स्टेट बैंक तो सूद के ऊपर चलता है, लेकिन बैटिंग हाउसेज जो कि मुल्क की मईशत के लिए शायद बेहतर साबित हो सकते हैं, वो हराम हैं। ये मुनाफ़कत ही है जिसकी वजह से आज जेंटलमैन्स गेम के अंदर जो ग्लोरी हमने अचीव की, जो अजमत हमने अचीव की, उसके बावजूद हम पे नूरा कुश्ती का टैग लग गया है। और ख़ास तौर पर जब बात हो भारत के साथ वर्ल्ड कप में मुकाबले की, तो नूरा कुश्ती के बैटिंग के सट्टेबाजी के इल्ज़ाम की जद में हमारे अपने क्रिकेटर्स तक क्यों आ जाते हैं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस उम्मीद के साथ कि अगले आने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के वो 11 खिलाड़ी इंडिया की टीम को हरा के अपने मुल्क वापस आएंगे, ना कि तारीख को दोबारा रिवाइज करते हुए हार के अपने मुल्क लौटेंगे। अहमद इमरान खान और हम लोग की पूरी टीम को लाहौर से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। बॉल चौका।